अस्सलाम स्टूडेंट, माय नेम इज़ इले हुमा एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज जो हम लोग रिमेनिंग अपने क्वेश्चंस थे एक्सेल के, उसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। आपने आज स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ 5 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। आपने सिंपली इसका आंसर लिख देना है, टाइटल बार, रिबन, फार्मूला बार, शीट, टैब्स और ऑफिस बटन। ये डिटेल से सारा आपने ऑलरेडी आप इसे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नाउ मूव टू वर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, सेल रेंज एंड इट्स एग्जाम्पल। ओके, सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज कॉल्ड, मतलब आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसके अंदर बताया गया था, जब किसी भी एक्सेल की शीट के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो उसके अंदर जितनी भी रेंज सेलेक्ट की जाती है फ्रॉम लाइक ए वन टू सी फोर या ए वन टू D4, ये जिस तरह से भी उसकी रेंज, हमने जितने डिजिट्स कैरी करने होते हैं उसकी रेंज सेलेक्ट की जाती है, तो वो हम लोग किस में लिखते हैं, फॉर्मूला अपनी रेंज में। सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज नोन एज सेल रेंज। सेल रेंज दैट इंक्लूड सेल्स A1, A2, A3, A4 वुड बी रिटन एज A1। अब देखिए, इसके अंदर यानी जो कॉलन लगाया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये 1, 2, 5 तमाम जो सेल्स हैं उसको कवर कर रहा है। Now move towards the question number 5. Answer of question number 5, autofilling features and its example. अच्छा, autofilling features क्या होते हैं? Autofilling is the use of the fill handle to copy data and sequence across a range of cell. You can see the example page number 53 पे आप इसकी example देख सकते हैं। Question number 6, name of 5 components of Excel window. Then there will be an arrangement. An arrangement is the cell range or cell references that are enclosed by, अच्छा, parenthesis के अंदर आपको जब भी आपने किसी चीज का सम निकालना होता है, जैसे 5 components का सम निकालना है या आपने कोई formula apply करना है, तो एक range के अंदर parenthesis से बाहर वो form, वो function लिखा जाता है कि do you want to subtract, multiply, एडिशन करना चाह रहे हैं, ये वट एवर दी फंक्शन यू वॉन्ट टू अप्लाई, आपको उसको बाय लिखना होता है और पैरेंथिसिस के अंदर आप उसके साथ सेमी कॉलन के साथ, सॉरी कॉलन के साथ उसको डिनोट कर देते हैं कि इस रेंज के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। और सेम इस फंक्शन में भी यही प्रोसीजर जो है वो अप्लाई हो रहा है।